राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीए बीकॉम तथा बीएससी की कक्षाएं सुचारू रूप से चलाने की मांग को लेकर छात्रों ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने कहा कि कोविड काल में लंबे समय तक महाविद्यालय बंद रहे, जिस कारण छात्र छात्राओं की शिक्षण कार्य का नुकसान हुआ है। अब जब महाविद्यालय खुल चुके हैं, उसके बाद भी शिक्षण कार्य नहीं हो पा रहा है। शिक्षण के अलावा कॉलेज में अन्य गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिससे छात्र छात्राओं के शिक्षण का फिर से नुकसान हो रहा है। दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले छात्र छात्राएं निराश होकर वापस लौट रहे हैं। चेतावनी दी है कि यदि कॉलेज में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। जी, आज हमने महाविद्यालय में जो ज्ञापन दिया इसके संबंध में है कि जो हमारी क्लासेज हैं वो रेगुलर नहीं चल पा रही हैं पहले तो, और जो हमारे जो इस बार हम फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं उनके जो हैं अभी पेपर जो 15 से 16 तारीख के बीच होने हैं, लेकिन अभी तक हमारी क्लासेज नहीं चल पा रही है। अभी फरवरी से हमारी बीकॉम की क्लासेज नहीं चली हैं, और लेकिन जो कॉलेज प्रशासन है वो हमारे यहाँ पर कभी NSS के कैंप करवा दे रहा है हमारे डिपार्टमेंट में, कभी नमामि गंगे प्रोजेक्ट करवा दे रहा है, और हमारे जो टीचर हैं यहाँ पर कॉमर्स के जो टीचर हैं वो सिर्फ एक हैं, और उन्हीं सर की वो ड्यूटी कभी एग्जाम्स में लगा दे रहे हैं। और हमारी अभी मुश्किल से अभी 7 या 8 दिन ही सिर्फ क्लास हुई है पूरे सेशन में, और हमारे पेपर होने को हैं, तो हम टीचर से बोलना है कि हमें क्लासेस करवाइए। और थोड़ा सा जब मैम को हमने ज्ञापन दिया तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और सोमवार से क्लासेस सुचारू रूप से जारी होंगी। CCN न्यूज़ के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।